सब्जी लिया जाओ, पानी लिया जाओ, थोड़ा आते आते घी ले आना जाओ, सामान ले आना। आज तक ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने पति के पीछे पड़ी हो रोज प्रतिदिन? जाओ एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, जाओ रोज एक लोटा जल चढ़ा के आओ। पत्नी अगर एक सामान नहीं आता तो फोन लगा के बोल देती है आते आते ये लिया ना। तुम्हें अपने सामान की चिंता है, तुम्हें घर में वस्तुओं की चिंता है, तुम्हें अपने सामान की चिंता है। हर पत्नी को अपने पति की भी चिंता होना चाहिए, क्योंकि दुकान पर बैठकर कमाने के लिए ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं। मृत्यु लोक में आएगा तो उसको कमाने के लिए, घर चलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, घर चलाने के लिए कपट भी करना पड़ेगा, घर चलाने के लिए बेईमानी भी करना पड़ेगी, घर चलाने के लिए उसे प्रपंच भी करना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई पुरुष नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो, प्रपंच नहीं करता हो। कमाने के लिए, अपने घर में कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए दुकान पर बैठकर, नौकरी में, सर्विस में, हर जगह पर उसको एक ना एक झूठ बोलना ही पड़ता है। उसको झूठ बोलना पड़ेगा, और जब झूठ बोलता है कमा कर लेकर आता है, उसकी कमाई का भोग पत्नी भी करती है, बच्चे भी करते हैं, पर उसने किस तरह से कमाया है, कैसे कमाया है, किस तरह से कमा कर लाया है, उसके कर्म का भोग उस पति को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है, अपने पति के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाए और उसको मंदिर तक भेजे, जिससे उसको भोगना ना पड़े, वो यही का पाप यही धुल कर जाए, यही का पाप यही धो कर जाए। यही पर कोई संसार में नहीं जन्मा ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो कमाने के लिए एक ऑटो वाला ऑटो चलाए, बस वाला बस चलाए, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री चलाए, दुकान वाला दुकान चलाए, नौकरी वाला नौकरी करे, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, तंत्री संतरी कलंत्री सब बन गए। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने झूठ ना बोला हो अपने परिवार को चलाने के लिए। तो धर्म पत्नी का फर्ज है, तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी, कभी किसी पति के नाम के आगे नहीं लिखा होता कि धर्म पति। तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मॉल में घुमाने ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव मंदिर तक पहुंचा देती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ तक पहुंचा देती है। और तुम्हारा एक फर्ज है, तुम धर्म पत्नी हो। वो मना करेगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगा, पास का मंदिर, अपने घर के पास का चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ाया, मंदिर नहीं जाओ तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल चढ़ा दो, वहां ना जाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ा दो, बड़का वृक्ष हो तो बटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा दो, बेलपत्री का पौधा हो तो उसके नीचे जल चढ़ा दो, पर एक लोटा जल अगर वहां भी नहीं चढ़ा सकते तो सूर्य को चढ़ा दो, वो सत्तूर दे देगा। बस इतना सा निवेदन है, एक लोटा जल परमात्मा की चौखट तक पहुंचना चाहिए। और जिससे देखो तुम कमा कर लाओगे ना, हम भोग लेंगे, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। इसलिए धर्म पत्नी अपना फर्ज अदा करे, पति को भी कहे कि एक लोटा जल चढ़ाने में कुछ नहीं बिगड़ेगा, 5 मिनट जाओ, जल चढ़ा कर जाओगे ना तो 10 ग्राहक ज्यादा आएंगे, चिंता मत करो, 5 मिनट लेट ही हुए हो ना, कोई दिक्कत नहीं, जाओ उसकी चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ, हंसने वाले हंसेंगे, दुनिया के हंसी से अगर आपने अपना काम बिगाड़ लिया, अपना काम करना बंद कर दिया, तो दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी भगवान के पास ना जाओ, दुनिया तो यही चाहती है कि तुम कैसे भी सत्संग में ना जाओ, दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी के सामने 3 घंटा बैठ के क्यों कथा सुनते हो, दुनिया तो ये चाहती है कि तुम टीवी बंद कर दो, दुनिया तो ये चाहती है तुम मोबाइल बंद कर दो, दुनिया तो ये चाहती है कि तुम भजन बंद कर दो। राय देने वाले दुनिया में ढेर सारे राय देने वाले बैठे हैं, रायचंद बैठे हैं, जिनका 24 घंटे एक ही काम है, ये तुम्हारी अच्छे काम को देखकर कुछ ना कुछ मिनक
कुछ ना कुछ बेकार बात कहेंगे जरूर। एक व्यक्ति ने दुकान खोली मिठाई की, बहुत बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति ने मिठाई की दुकान की। उसने मिठाई की दुकान के ऊपर बोर्ड लगाया और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसमें गलत लिखा गया, अरे जम के तो बोलो। उसने नई दुकान खोली और बोर्ड में लिख दिया, हमारे यहां, बोलो जम के बोलो, हमारे यहां ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब उसने बोर्ड लगा दिया। अब देखो रायचंदों को, जो तुम्हें अच्छा नहीं देख सकते, एक आ गया दांत खुरता खुरता मिठाई लेना। खोल के रखी है, सबको दिख रहा है कि मिठाई की दुकान है, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी, हमारे यहां पागल हो गया। इतना लिखना कि ताजी मिठाइयां मिलती, हमारे यहां लिखने की क्या जरूरत है, तुम जनता को क्या मूर्ख समझता है, अकल नहीं है तेरे में। उसने कहा क्या करूं, हटा इसको, हमारे यहां हटा दे। उसने बेचारे ने हमारे यहां हटा।